भाई डार्लिंग प्रभास को लेके 5 अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि कल से लेके आज तक है, जिसमें शामिल है सिद्धार्थ आनंद वाली प्रोजेक्ट, राजा डिलक्स मूवी, महेश बाबू प्रभास फैन वर, इंस्टाग्राम पे जो डार्लिंग प्रभास एक वीडियो पोस्ट किए हैं फॉर्मूला रेस वाला, वो उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे, और बाहुबली स्टार डार्लिंग प्रभास की एक्टिंग टीचर के उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। भाई अभी चारों ओर एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि सिद्धार्थ आनंद प्रभास की कम्बो वाली फिल्म में ऋतिक रोशन डेफिनेटली नज़र आएंगे। देखिए ये बात तो बहुत पहले से उठ रही है, लेकिन अभी जिस तरह के अपडेट आ रही है, जिस तरह की फिल्मी वेबसाइट इसके ऊपर थोड़ा जोर दे के जिस तरह का अपडेट छोड़ रहे हैं, अभी एक भरोसा हो ही जा रहा है कि ऋतिक रोशन डेफिनेटली इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं, और वो भी एक अहम भूमिका में, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो वो तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों एक फिल्म में नज़र आ जाते हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्में बन जाएगी और बहुत खतरनाक होने वाली है। और राजा डिलक्स मूवी की अगर बात करें तो राजा डिलक्स की जो डायरेक्टर हैं मारुति जी, अभी इंस्टा पे एक लंबोर्गिनी कार की सवारी करके ये घोषित कर रहे हैं कि ये कार जो है राजा डिलक्स मूवी में प्रभास चलाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, वैसे भी राजा डिलक्स मूवी में डार्लिंग प्रभास एक अमीर दादा के एक लाडला पोता होने वाले हैं, तो ये लंबोर्गिनी कार जचेगा, अच्छा लगेगा। भाई प्रभास और महेश बाबू एक दूसरे के साथ कितने करीब हैं, इसके बारे में हाल ही में उनके घर की जो दुविधा वाला टाइम था उस दौरान हमें पता चल चुका था कि जिस तरह का वीडियो, जिस तरह का फ़ोटोज़ आ चुका था, और बहुत पहले से भी इन दोनों के बारे में बहुत खबरें आती हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने करीब हैं, कितने करीबी हैं। तो वो दोनों तो बहुत अच्छे से हैं यार, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि उन दोनों की फ़ैन्स आपस में झगड़ रहे हैं पता नहीं क्यों। देखिए कोई किसी को साड़ी भेज रहा है, कोई किसी को बैंगल भेज रहा है, ये सारी चीज़ को लेकर के ना ये एक झगड़ा जो है वो कल बहुत बड़ा हो गया था। शुक्र है कि ये झगड़ा जो है वो ऑनलाइन ही थम गया, ऑनलाइन ही बहुत बड़ा हाइप लिया, एक दूसरे को वो लोग बुला रहे थे कि ये थिएटर में आओ वो थिएटर में आओ, लेकिन शुक्र है कि वो लोग नहीं आए, फिज़िकली नहीं मिले, नहीं तो बवाल हो जाता और मतलब हाथापाई भी हो जाता, लेकिन शुक्र है कि ये झगड़ा जो है ऑनलाइन ही थम गया। भाई प्रभास अपने इंस्टा पे कल ही एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि मिनिस्टर केटीआर को शुक्रिया अदा किए थे कि हैदराबाद में फार्मूला रेस जो है वो शुरू करने वाले हैं बोल करके। यार वीडियो में जो भी हो, जो भी वो कह रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें बड़ी मुद्दा ये था कि प्रभास में जो मतलब प्रभास की जो फिजिक्स था उसमें, मतलब डार्लिंग प्रभास जिस तरह का मतलब अपना एक फिजिक्स, जिस तरह के लुक्स था उनका, वो बहुत चर्चा में रही थी कल, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने बॉडी को बहुत मेंटेन किए हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे, तो उस बात पर कल बहुत चर्चा हो रही थी, सब लोग उनकी मतलब लुक्स को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी, सब लोग बहुत पसंद कर रहे थे और सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। वीडियो पे देख रहे होंगे कि किस तरह का वो उनका लुक्स है और कैसे मतलब एक वेल मेंटेन बॉडी लेके वो बैठे हैं। भाई प्रभास जो अपनी अभिनय से सबका दिल जीते हैं और बाहुबली नाम से तो बहुत मशहूर है, बाहुबली उनका एक टाइटल ही बन गया है अभी मानो, और वो सब कुछ हुआ है उनकी अभिनय की वजह से, उनकी एक्टिंग की वजह से, उनकी जानदार एक्टिंग की वजह से। क्या आप जानते हैं कि उनकी एक्टिंग, उनको एक्टिंग कौन सिखाए हैं, मतलब कहाँ से सीखे हैं? एक्चुअली वो वाइजाग से सीखे हैं, ग्रेट स्टार मेकर सत्यानंद जी से, जिन्हें मतलब जो कि पवन कल्याण जी को भी सिखाए हैं, महेश बाबू जी को भी सिखाए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर को वो सिखाए हैं सत्यानंद, और उनके बारे में अभी अचानक से उनका नाम सामने आ गया है कि पवन कल्याण, महेश बाबू ऐसे लोगों को वो एक्टिंग सिखाए हैं बोल के। सच में यार वो बहुत बड़े एक्टिंग टीचर हैं जो कि ऐसे कलाकारों को वो एक्टिंग सिखाए हैं, और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पवन कल्याण हो गए, फिर प्रभास हो गए, ये पहले ही फिल्म के लाइन में आना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में पवन कल्याण जी शायद चिरंजीवी जी के कहने पर एक्टिंग की दुनिया में आए, हीरो बन गए, और प्रभास तो अपने अंकल जो कृष्णम राजू जी हैं उनके कहने के हिसाब से वो एक्टिंग की दुनिया में आए। शुक्र है यार वो दोनों, इन दोनों को मतलब फोर्स किए, इन दोनों को ये रास्ता दिखाया, नहीं तो हमें पवन कल्याण जी जैसे एक एक्टर और बाहुबली को देखने का मौका कहाँ मिलता है, कि नहीं।